हेलो बच्चों व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं बायोडायवर्सिटी के विषय में तथा इसका थ्री डोमेन सिस्टम से वर्गीकरण जो कार्ल रोज ने दिया है। तो आइए पहले देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या है। बायोडायवर्सिटी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डायवर्सिटी। बायो मीन्स जैविक, डायवर्सिटी मतलब विविधता, अर्थात पूरे विश्व में, संसार में, जगत में जीव के अनेक आकार, प्रकार, संरचना, व्यवहार, वातावरण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर जीवों पे अनेक तरह के भिन्नात्मक लक्षण होते हैं। इन्हीं भिन्नात्मक लक्षणों को ही जैव विविधता कहते हैं। इन्हीं विभिन्नात्मक लक्षणों के आधार पर ही हम जीवों की विभिन्न जातियाँ निर्धारित करते हैं कि यह जीव गाय है, ये भैंस है, ये पशु है, यह चिड़िया है, यह बैक्टीरिया है। इन्हीं आधारों पर पूरे संसार में लगभग वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब तक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जीव जातियां विद्यमान हैं, परंतु उनमें से केवल 22% जीव जातियों को ही अभी तक हम उन्हें पहचान पाए हैं, उन्हें कोई नाम दे पाए हैं। शेष अभी उनको पहचानना बाकी है। प्रतिदिन जो है जीव जातियां पहचानी जा रही हैं पूरे विश्व में। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जैव विविधता की परिभाषा देते हैं। जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों से है। छोटी सी परिभाषा, जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों से है, जिसमें कहा गया एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जातियां विद्यमान हैं, परंतु उसमें से केवल 22% ही हम पहचान पाए हैं। आगे देखते हैं जीव जैव विविधता के प्रकार। निरीक्षण के आधार पर जैव विविधता के तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, आनुवंशिक जैव विविधता। जीवों के जीन में परिवर्तन होता रहता है। जीवों के जीन में परिवर्तन होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे नए नए प्रकार की जीव जातियां उत्पन्न और विकसित होती रहती हैं। जीनों में परिवर्तन के आधार पर जो जैव विविधता जैव जगत में दिखाई देती है, उसे हम जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक जातीय जैव विविधता। जीवों की भिन्न भिन्न जातियां हमें दिखाई देती हैं। इन जातियों के आधार पर जो भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएं आती हैं, उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं, जिसके आधार पर आप जातियों का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं कि ये आम की प्रजाति है, ये महुआ की प्रजाति है, ये खरगोश की प्रजाति है, ये चूहे की प्रजाति है। इस तरह से जातीय जैव विविधता पाई जाती है। जातीय जैव विविधता, बच्चों ध्यान में ये देना है कि जो जेनेटिक जैव विविधता है उसका उदाहरण दिया जाता है कि मात्र भारत में ही 50,000 से अधिक धान की प्रजातियां पाई जाती हैं और लगभग 60,000 आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह प्रजातियों की विभिन्नता क्यों है? क्योंकि उनके जीनों में परिवर्तन होता रहता है, इसे हम जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इससे ऊपर उठें तो आम, महुआ, इमली, गुलर, ये सब जो जैव विविधताएं दिखाई देती हैं उसे जातीय जैव विविधता कहते हैं, स्पेसिफिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। फिर हम और ऊंचे उठे तो रेगिस्तानों में कुछ अलग प्रकार के जीव जातियां मिलती हैं, समुद्रों में अलग प्रकार की जीव जातियां मिलती हैं, टेरिस्ट्रियल
समोद्भिद में अलग प्रकार की जीव जातियां मिलती हैं, ऐसे जैव विविधता को इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी जो भौगोलिक परिवर्तनों भौगोलिक संरचनाओं के कारण अलग अलग दिखाई देती हैं। जैसे हमारे भारत के पश्चिमी घाट ईस्टर्न और ईस्टर्न घाट को जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए उन्हें जैव विविधता का हॉट स्पॉट नाम दिया गया है। पूरे विश्व में 25 हॉट स्पॉट निर्धारित किए गए हैं, इसमें से दो भारत में हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो ये ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जो भौगोलिक परिवर्तनों के आधार पर जहाँ पर जीव की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ जातियाँ विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, जीवन के तीन डोमेन क्या है। जब इतनी सारी मात्रा में जीव जातियाँ विद्यमान हैं तो उनका अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन है, इसलिए कार्ल रोज ने, ध्यान दीजिए वैज्ञानिक का नाम कार्ल रोज ने, 1981 में संपूर्ण जीव जगत को तीन समूहों में बांटा और इन्हें तीन डोमेन यानी साम्राज्य नाम दिया। अर्थात कार्ल रोज ने जीवों के संपूर्ण जीव जगत को तीन साम्राज्य में विभाजित किया, इन्हीं साम्राज्य को उन्होंने डोमेन कहा। और आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, थ्री डोमेन्स क्या है। नंबर एक आर्किया, नंबर एक आर्किया, आर्किया पहला डोमेन है जिसके लक्षण है आर्किया जीव की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले आद्य जीव होते हैं, अर्थात यह वह जीव होते हैं जो पहली बार विकसित हुए, फिर इनमें से विकसित होकर अन्य जीव जातियां बनी, आद्य जीव जातियां बनी। आर्किया का तीसरा लक्षण प्रतिकूल वातावरण में हो ये पाए जाते हैं, अर्थात विषम परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं। इन पर एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ऐसे जीवों का वर्ग है जिनके जीवों पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ जो प्लाज्मिड के रूप में होता है, साथ ही उसमें आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान नामक कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान नामक कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तथा इसके उदाहरण हैं मेथेनोजेंस, हैलोफिल्स, थर्मोफिल्स। इसके उदाहरण नीचे आप नोट करें तो मेथेनोजेंस, हैलोजेंस और मेथेनोजेंस, हैलोफिल्स और थर्मोफिल्स, ये लक्षण आर्किया के नोट करें। प्रोकैरियोट्स होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले आद्य जीव होते हैं, प्रतिकूल वातावरण में भी उत्पन्न होते हैं, इन पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें आनुवंशिक पदार्थ प्लाज्मिड होता है, साथ ही आरएनए डीएनए भी होते हैं, आरएनए या डीएनए में से दोनों में से एक ही होता है, या तो आरएनए या तो डीएनए। सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है, यह वास्तव में आद्य प्रकार के जीवाणुओं का वर्ग है, सबसे प्रथम प्रकार के जीवाणुओं का वर्ग है जो जिसमें जो है आनुवंश एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा यूबैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रतिकूल वातावरण में पाए जाते हैं, इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव पड़ता है। देखिए बेटा ये अंतर है कि इन पर एंटीबायोटिक का दवाओं का प्रभाव पड़ता है, सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है और साथ ही प्लाज्मिड भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में नग्न डीएनए होते हैं, यदि डीएनए इसमें पाया जाएगा तो उस पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, उदाहरण माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया इसके उदाहरण हैं, जो वास्तविक बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव आदि सब यूबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा डोमेन यूकेरिया, तीसरा डोमेन जो है यूकेरिया, आप यहां देखने लिखा है तीसरा डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया में ये हम सब आते हैं, विकसित जीव आते हैं जिनके कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, सभी यूकैरियोटिक जीव अमीबा पैरामेशियम से लेकर बरगद के पेड़ और मनुष्य तक
सभी को आरोप ने यूकेरिया साम्राज्य यानी डोमेन में रखा है। इसके यूकेरियाटिक होते हैं, पौधों की कोशिकाओं में सर्वाल पाए जाते हैं, जंतुओं के कोशिकाओं में फॉस्फोलिपिड के बने हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, उनमें कन्फर्म हो गया। आरएनए अनुवंशिक पदार्थ केवल यूबैक्टीरिया और आर्किया में होते हैं, इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है जिस पर हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। सभी वातावरणीय दशाओं में ये मिलते हैं, जलीय दशाओं में अमीबा पैरामीशियम से लेकर आपको बताए हम बरगद के पेड़ यानी सभी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। शैवाल कवक भी इसी वर्ग में आते हैं। एंटीबायोटिक्स का प्रभाव इन पर भी नहीं पड़ता है। उदाहरण है प्रोटिस्टा जगत, जो आर्य छत्रकर के अनुसार पांच जगत सिस्टम बांटा गया है, उसमें प्रोटिस्टा जगत के समस्त जीव, पादप जगत के समस्त जीव, जंत जगत के समस्त जीव, कवक जगत के समस्त जीव इस आर्कियोकेरिया में आते हैं। इस तरह से थ्री डोमेन सिस्टम कार्लक्रूज द्वारा दिया गया, जिसके आपने लक्षण देखे। तीनों में मुख्य अंतर देखा बेटा, ये प्राइमेटिव बैक्टीरिया हैं, ये सत्य बैक्टीरिया हैं, और इसके अलावा सही जंतु और पौधे इसमें उन्होंने रखे हैं। यह वर्गीकरण बहुत जटिल है, स्पष्ट नहीं होता है, यह सबसे बड़ा इसमें दोष है। इसीलिए इस वर्ग को पूरी तरह से एडाप्ट नहीं किया गया। इसके बाद आपको दो परिभाषाएं और दे रहे हैं। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक शब्द ही मिला है सिस्टम प्लस सिस्टिक, यानी हम कोई काम करने जाएं तो उसके लिए एक सिस्टम होगा। अगर आप सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो उलझ जाएंगे। उसी तरह से जब हम वर्गीकरण करने चल रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक्स एक नियम कानून को एडॉप्ट करेंगे, उसी नियम कानून को हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो सिस्टमेटिक्स की परिभाषा दी जाती है जीव विज्ञान की भाषा का, जिसमें जीवों के अंतर्गत संबंधों जीवों के शरीर के अंदर जो लक्षण है दूसरे जीव से किस तरह संबंधित है का अध्ययन किया जाता है। जीवों के प्रकार और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द जो है हूफ ने दिया था, परंतु यह सही परिभाषा नहीं बैठ पाई। तो आगे चल करके टैक्सोनॉमी शब्द दिया गया इसी के लिए थोड़ा सा जोड़कर, जिसे आप जानते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। उनके अनुसार टैक्सोनॉमी क्या है? जीव विज्ञान की भाषा का, जिसमें जीवों के लक्षणों समानताओं असमानताओं के आधार पर पहचान कर उन्हें वर्गीकृत करते हैं और उनका नामकरण करते हैं, ऐसी शाखा का नाम टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। पुनः देखें, जीव विज्ञान की भाषा का, जिसमें जीवों को के लक्षणों समानताओं असमानताओं के आधार पर उन्हें पहचान कर उन्हें वर्गीकृत करते हैं और उनका नामकरण करते हैं। इस तरह से जिस जीव विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। अर्थात टैक्सोनॉमी का सीधा अर्थ है टैक्सोनॉमी वर्गीकरण और नामकरण का विज्ञान है जीवों का।